मंचन दोनों कल्याण जी भाई उतने याद आते हैं, उदित जी, सुभाष जी, श्रवण जी। कैसे किन लफ्जों में बयां किया जाए कि ये कितना ऐतिहासिक दिन है आज। यहाँ अंजान साहब, मेरा और अंजान साहब का रिश्ता तो कमाल का है, सभी कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। लेकिन मैं जब छोटी सी उम्र का था, मुझे जब बड़ी फिल्म मिली मेहरा साहब की एक जाने हम, तो उस वक्त अंजान साहब जाया करते थे बीच पर वॉक लेने के लिए, और मैं भागता था उनके पीछे कि सर मुझे आपके साथ काम करना, मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूँ। मेरा कुछ नाम वाम नहीं था उस वक्त, वो दूसरे दिन मेरे घर पर आए, रेस्ट इज हिस्ट्री। बहुत काम किया, लेकिन उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि तुम्हें ना मैं एक ऐसा राइटर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो बहुत तुम्हारा साथ देगा। और उन्होंने अपने बेटे से मिलाया समीर जी से, और समीर जी ने मुझे मोहरा सुनाया था, अमीर से होगा गरीब से होगा प्यार जब भी होगा नसीब से होगा। और वही मोहरा आज लेकर हमने काफ़ी फिल्म में कितना काम किया है। अनजान साहब के नाम पर जो सड़क बन रही है, वो अनजान साहब कभी अनजान थे ही नहीं, नाम अनजान था, लेकिन सब जानते थे कि कितना कमाल का राइटर अनजान साहब। उससे ज़्यादा क्या कल्याण जी, आनंद जी साहब ने जो काम किया है, हर एक गाना उनका हम सुनते हैं तो वाह-वाह करते हैं। समीर जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में कहूँगा कि समीर जी ने जो काम किया है, ही इज़ बीन अ ग्रेट हस्बैंड टू हिज वाइफ, ही इज़ बीन अ ग्रेट फादर टू हिज डॉटर्स। ही अकॉर्डिंग टू मी ये श्रवण है अपने माँ बाप का, ही इज़ बीन अ ग्रेट सन, ही इज़ बीन अ ग्रेट सन फैमिली, बट मोर देन एनीथिंग ही इज़ बीन अ ग्रेट 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 फ्रेंड टू ऑल ऑफ हिज कंपोजर्स। यानी कि ऐसा दोस्त मैंने अपनी इंडस्ट्री में देखा है, बहुत से नाम मैंने सुने बड़े बड़े, लेकिन अगर मैं कहूँ तो सच्चा दोस्त अगर मुझे कोई मिला है और मर्जी तब तक रहेगा, वो एक ही आदमी समीर। समीर के लिए बहुत सारी बधाई चाहिए, आज बहुत बहुत दिन है समीर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और इस वक्त हमारे साथ अनजान साहब बिल्कुल मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ वेल डिजर्व वेल अर्न। एंड भारती जी, योगी जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग अस अ फेवर, थैंक यू। भारती जी, योगी जी, आनंद जी भाई, समीर और मेरे सारे कलीग्स, और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। थोड़े से मैं इतनी सारी चीज़ें बोल ली हैं अनजान जी के लिए, मेरे बड़े भाइयों जैसे थे, बहुत अच्छा वक्त हम लोगों ने साथ में गुजारा है। स्पेशली कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई की सिटिंग होती थी तो हम हमेशा साथ में इकट्ठे आते थे, और बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे कहते थे इंडस्ट्री के बारे में। और मैं नया नया था, क्या होना चाहिए, गाने से ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर का गाना कैसे लगेगा, इसकी कोशिश करो, ऐसे मुझे हमेशा गाते हो ध्यान रखो, ऐसा कहा करते थे बड़े भाई थे। और बहुत सुंदर सुंदर गाने उनके, जैसे अभी अनु ने जिक्र किया, अमीर से हो और होगा गरीब से होगा, मैंने ही गाया हुआ है प्यार जब भी होगा, और पीछे का नाम बोल दो, इंसानियत के दुश्मन जो हम लोग हैं। और क्या बात है, एक गाना अभी सुभाष जी ने भी याद करवाया जो अनजान साहब ने लिखा होगा, आपके साथ है समीर जी ने, कि इनके साथ प्रोफेशनल काम और पारिवारिक रिश्ता मेरा हमेशा शुरू से रहा है। अनजान जी के बारे में क्या बोलूं, 1970s में उन्होंने काफ़ी फिल्में की थी मेरे पिताजी चित्रगुप्त जी के साथ, तो सिटिंग रूम में आते थे खार, और वहाँ पर जनरली उनका टाइम होता था 3:30-4:15 बजे, सिटिंग ख़त्म होती थी 6:30-6:45 बजे, और फिर मुझे या मिलिंद को ढूंढते थे, बोले बेटा चलो कॉर्नर तक मेरे साथ चलो, उसके बाद फिर मैं टैक्सी पकड़कर निकल जाऊंगा। तो हम लोग जाते थे उनके साथ, और वही कॉर्नर पे एक उडीपी रेस्टोरेंट हुआ करता था, और मुझे याद है अनजान जी को मसाला उत्तप्पा खाना बहुत पसंद था, तो वहाँ जाके वो ऑर्डर करते थे, हम लोग कुछ और ऑर्डर करते थे, और बैठ के कभी आधा घंटा, कभी 45 मिनट, कभी 1 घंटा, दुनिया भर की बातें, कुछ प्रोफेशनल, कुछ पर्सनल,
कई बार ये होता था कि आई यूज टू हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम, तो वो मैं सिर्फ अंजान जी के साथ डिस्कस करता था और उसका सोल्यूशन बताते थे और बहुत अच्छी तरह से गाइड करते थे। बहुत कमाल का रिश्ता था उनके साथ, कभी ये नहीं लगा कि फादर फिगर है, एकदम हम उम्र की तरह। तो ये समीर जी ने इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए मैं उनको और उनके सारे परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारती जी को और योगी जी को फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव फॉरवर्ड। थैंक यू। काफ़ी कुछ कह दिया मेरे लिए, कुछ बचा नहीं। लेकिन अंजान जी के साथ हम लोग का रिश्ता बहुत करीब का था, ही वॉज लाइक अ फादर टू अस, और ख़ासकर क्योंकि हम लोगों ने भी उनके साथ काम किया, हमारे पिताजी चित्रगुप्त जी भी उनके साथ काम किए, और समीर जी ने हमारे साथ भी काम किया और समीर जी चित्रगुप्त जी के साथ भी काम किए। इट वॉज लाइक अ फादर सन रिलेशन। और जैसे आनंद ने कहा, शाम के वक्त जब आते थे तो मुझे तो कई बार याद है कि डोसा उनका फेवरेट था, लेकिन उस ज़माने में बैंड्रा टॉकीज का अपोजिट पूरनमल दिल्ली वाला था, जहाँ जाके हम लोग हमेशा छोले या छोले पूरी होता था। वो अंजान जी को बहुत पसंद था, उसमें बड़ा सा पूरी होता था, छोले आलू की छोले भटूरे। सो ही शुड लव दैट। और मैं कई बार गया उनके साथ खाया, एंड वंडरफुल राइटर, वंडरफुल ह्यूमन बींग, आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी हियर, इट्स लाइक अ फैमिली फॉर मी। दिस इज अ वेरी वेल डिजर्व जॉब, एंड वी रिमेंबर अंजान जी अलॉट। As someone said, I think he's around with us today. सबसे पहले मैं आनंद जी भाई का आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि हमारे बीच आनंद जी भाई आज आए हुए हैं। करण जी, आनंद जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर्स को रास्ता बताया है कि इस तरह से चलना होता है, कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है। तो आनंद जी भाई मेरे गुरु भी हैं और बड़े भाई भी हैं और मेरे पिता समान भी हैं। मैं आनंद जी भाई को नमस्कार करता हूँ, और मेरे सभी यार दोस्त जो इतने मेरे सब फ्रेंड्स हैं, ये हम लोगों ने सब ने बहुत बहुत सारा काम किया है। और अंजान साहब के बारे में मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो बहुत बड़े राइटर थे, हर प्रकार के गाने उन्होंने लिखे हैं। उसमें उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि वो भारतीय संस्कृति को कभी छोड़ते नहीं थे, भारतीय संस्कृति को पकड़ के रखा है। चाहे वो गंगा छोरा गंगा किनारे वाला, देखिए वो भी हिंदुस्तान है, छोरा गंगा किनारे वाला। मुझे एक गाना उनका बहुत पसंद था कि ना गंगा की संस्कृति को उन्होंने जिंदा रखा, और आज हम लोग सब इस चीज़ को जो है मना रहे हैं। स्पेशली भारती जी और योगी जी का मैं बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने जो है आज इमरान साहब के नाम से एक रोल जो है वो डिक्लेयर किया है, और ये अब अमर हो गए हैं अंजान साहब हमारे। हम मुझे बहुत खुशी है, और मुझे मैं बस इतना कह के आप लोगों से विदा। मैं जब फिल्म डिस्को डांसर शुरू कर रहा था तो मैंने अंजान साहब को बोला कि आप उनके गाने लिखेंगे, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा क्योंकि उनका जो स्टाइल था, मुझे बोले मैं डिस्को डांसर कैसे लिखूँगा, क्या लिखूँगा, मेरा टॉपिक नहीं है। मैंने कहा लिखेंगे तो आप ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें डेप्थ भी चाहिए उसके साथ। तो बोले मैं थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए, तो मैं उस तो मैंने उनको एक माइकल जैक्सन का था गाना, उसमें था कि माय मदर सेज आई यूज्ड टू सिंग व्हेन आई वाज नॉट एबल टू वॉक, आई यूज्ड टू डांस व्हेन आई वाज नॉट एबल टू टॉक। तो ये है डिस्को डांसर का। तो उन्होंने क्या खूबसूरत लाया कि ये लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था, ये पाँव मेरे तब भी थे रखते थे जब सब सब उन्होंने लिखे और वो यादगार गाने बन गए, जिमी जिमी आ जा। तो फिर उन्होंने एक बार जब शुरू किया तो फिर जितने गाने थे डिस्को के सब वो लिखे। मैं प्रहलाद जी की फिल्म करा था तो सो देट वॉज आई शुड से इज क्वालिटी कि कहाँ से उनका फोक भी लेना, रोमांस भी लेना, वो भी लेना, और डिस्को में भी उन्होंने कमाल कर दिया। आई विश हिम गॉड हिम ग्रेट पीस, डेफिनेटली बहुत अच्छे थे। थैंक यू भारती जी फॉर यू नो मेकिंग मी रिमेंबर हिम, थैंक यू सिंगिंग एंड ऑल ऑफ यू दैट वी आर सेलिब्रेटिंग हिज प्रेजेंस, थैंक यू। बड़े भाई श्रवण जी, सुभाष जी, समीर जी, आनंद मदन जी, जतिन जी भी आ गए,
बड़े भाई सुरेश वाडकर जी और भारती जी योगी जी, प्रणाम करता हूँ आप सब लोगों को। और मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत ज़्यादा बोलूँगा अच्छा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि गीतकार और एक खूबसूरत इंसान अंजान साहब, सबसे प्यार करते थे, सबको प्यार देते थे, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। मैं भी आया था तो कल्याण जी आनंद जी भाई सिटिंग रूम में मैं बैठा हुआ था, संजोग से मौका मिल गया क्योंकि एक ही जगह है जहाँ सबको मौका मिलता है, तो वहाँ अंजान साहब मिल गए। तो मेरे बारे में उन्होंने पूछा मुझसे, तो बोले यार तुम भोले भाले अच्छे लड़के लगते हो, देखो ये फिल्म इंडस्ट्री है, तुम्हें यहाँ बहुत मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, तो तुम डरना। आशीर्वाद दिया उनका और कई बार हम उनसे हमारी मुलाकात हो जाती थी, चलते बाद स्ट्रगल करते रहते थे। तो एक दिन 14वां रास्ता खार पे चित्रगुप्त साहब का घर था, तो मैं वहां से गुजर रहा था तो अनजान साहब सामने थे, तो बोले अरे तुम अपने तुम्हारे खास म्यूजिक डायरेक्टर जो अपने मिट्टी का है उनसे तो मिले ही नहीं तुम। मैं बोला सर मैं तो अभी अभी आया हूँ, मुझे जरा हिचकिचाहट होती है। बोले मैं मिलाता हूँ, तो वो ले गया चित्रगुप्त साहब से मिलाए। चित्रगुप्त साहब से उन्होंने कहा कि देखिए ये बच्चा भी आप यहाँ का है और कोशिश कर रहा, जरा सुनिए अगर आपको अच्छा लगे तो। तो चित्रगुप्त साहब ने बोला गाना सुनाओ, तो मैंने एक दो लाइन सुनाया उनको। वो बोले मेरे पास तो हिंदी फिल्म है नहीं, तो मेरे पास कुछ भोजपुरी फिल्म है, तो मैं एक दो लाइन या एक दो गाने तुमसे गवाऊंगा, जरूर गवाऊंगा। ऐसा ही हुआ कि उन्होंने गवाया। तो ये देन भी अंजान साहब का था और कयामत से कयामत तक भी जो मुझे मिली वो भी अंजान साहब के थ्रू ही मिला, क्योंकि मैं अगर चित्रगुप्त साहब से अगर नहीं मिलता, वो नहीं मिलाते, तो मैं आनंद मिलन तक पहुंच नहीं पाता, और आनंद मिलन तक नहीं पहुंचता तो मुझे कयामत से कयामत तक नहीं मिलती। तो बहुत बड़ा देन है, पिता तुल्य थे, बहुत प्यार करते थे, जब भी मिलते थे बोलते थे कि जाना मत तुम इधर से, यहाँ से ये रहना, तुम आगे बढ़ोगे, तो बहुत आशीर्वाद था उनका। आज मैं समीर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि पिताजी ने तो नाम रोशन किया, बेटा ने भी नाम रोशन किया, और आज वो नहीं है, उनके गाने तो हजारों साल बजते रहेंगे जब तक ये धरती आकाश रहे, लेकिन आपने उनके पिता के नाम को भारती जी के थ्रू, योगी जी के थ्रू, महाराष्ट्र सरकार के थ्रू, बीएमसी के थ्रू, जो भी हो, सबको मैं धन्यवाद दिल से देता हूँ कि अंजान साहब के नाम का रास्ता यहाँ बनाया जा रहा है। आज उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, हम कलाकारों के लिए, हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। जानता हूँ कि जो बात बताई मुझे भी, ये बात पहले बताई थी अभी जी ने, इस तरह से जिंदगी की शुरुआत हुई थी। देखिए सबसे मेरे लिए जो बहुत अच्छी बात मेरे साथ ये हुई है कि मैंने अनजान जी के साथ भी काम किया और समीर जी के भी साथ काम किया। आप ये समझ लीजिए कि लगभग 8-1 साल अनजान जी हमारे घर के ऊपर रहते थे, हम लोग नीचे रहते थे और अक्सर आना जाना होता रहता था। मैं उनके यहाँ चला जाता था पान पराग खाने में, वो उनको डब्बी रखते थे और मैं उनसे इसी बहाने मिलता भी रहता था उनसे। बहुत भले आदमी थे, उस तरह के लोग वो वैल्यूज नहीं रही हैं, अब लोग बदल गए हैं, सोचना बहुत बदल गया लोगों का। और अंजान साहब ने जितना भी काम किया उस वक्त सब दिग्गज राइटर जिंदा थे और उनके बीच में उन्होंने नाम किया था, ये बहुत मुश्किल काम है। और उन्होंने अपनी पहचान बनाई और बड़े बड़े हिट गाने, ऐसे ऐसे गाने जिनसे पूरी पिक्चर चली है, ऐसा अंजान साहब ने काम किया हुआ है। तो ये बहुत क्रेडिटेबल बात है। और रिलेशनशिप जो भी लोग उनसे मिले हुए हैं या
जिन लोगों ने भी उनके साथ काम किया है वो अंजान साहब को आज भी याद करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया आदमी थे और वो बढ़िया थे। इस बात का सबसे जीचा जागता सबूत वो ये है कि उनको भगवान ने इतना अच्छा बेटा दिया कि आदमी जब जब उसकी औलाद जो उसका नाम आगे ले जाने वाली वो सही मिल जाती है तो उससे ज़्यादा बड़ी खुशी कोई नहीं होती। समीर ने अपना नाम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया, अनजान जी के लिए आज उनका चौक बनाया है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पिताजी का ही हम सब लोग यहाँ जो भी हैं सबका सम्मान करते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं। इतने अच्छे अवसर में आप लोग आए हैं। थैंक यू समीर एंड गॉड ब्लेस। समीर जी को बहुत बहुत बधाई, इतना खूबसूरत काम उन्होंने कर दिया है। अंजान जी की चौक बनी है आज, बहुत ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। अंजान जी के साथ जैसा कि जतिन ने बताया हम लोग नेबर्स थे, हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते थे बचपन में और अंजान जी फोर्थ फ्लोर पे थे, तो अक्सर मिलना होता था उनसे। मैं कुछ अपनी एक दो यादें ऐसी बता दूंगा जिसमें जो मेरी जिंदगी से बहुत बहुत मकसद है जिस चीज़ का। जतिन और मंदिर दोनों म्यूजिक डायरेक्टर थे, जब मैं स्कूल में था तब से म्यूजिक देते थे और मैं इनके साथ कॉम्बो वगैरह रिदम वगैरह बजाया करता था। एक इनकी सिटिंग हो रही थी और अंजान जी गाना लिख रहे थे, तो दोनों बड़े भाई कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, बना हुआ था कुछ और करेक्शन कर रहे थे, मगर अंजान जी उसमें कॉम्पोजिशन में भी इंटरेस्ट ले रहे थे और वो बोल रहे थे कि इसको कुछ ऐसा करो ऐसा करो। तो पता नहीं, मैंने पहले कभी कंपोज किया नहीं था उस एज में, मगर कुछ मैंने ऐसे ही गा दिया उसमें। तो अंजान जी ने बोला तुमने क्या गाया क्या गाया बता मुझे। तो बोले मैं कुछ नहीं मैं तो ऐसे ही, मैं थोड़ा डर गया। तो बोले मैंने अरे गाया क्या गाया वापस गया उसको। तो मैंने याद करके जो गाया था वो वापस ऐसे ही गा दिया, ऐसे ही कभी कभी निकल गई थी मुझे आवाज़। तो उन्होंने बोला हाँ यही बहुत अच्छा है, यही रखो। तो वो मेरी जिंदगी का एक एनकरेजमेंट टाइप का लेसन था कि अंजान जी को मेरा गाया हुआ कुछ पसंद आ गया। मैं तो डर भी गया था मगर मुझे अभी तक वो बात याद है। उसी के बाद मेरा कॉम्पोजिशन में इंटरेस्ट पड़ा और फिर अंजान जी के साथ मैं बहुत सुबह सुबह वॉक किया करता था। झूठ पूछते हमारा घर लगा हुआ था तो बहुत बातें होती थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते थे वो और बहुत ही विनम्र प्यारे इंसान थे। और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई बहुत बड़े इंसान के साथ चल रहा हूँ या कर रहा हूँ। हमारे अंकल थे और बहुत ही प्यारे थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये चौक बनी है और समीर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा काम हुआ है। जब मैं नया इस इंडस्ट्री में एज अ कंपोजर आया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास एक फिल्म जब मुझे मिली थी एक जाने हम, उस वक्त मेरे पास कोई बहुत बड़ा गीतकार साथ में काम नहीं कर रहा था। FC मेहरा साहब मरहूम जो अब नहीं रहे, उनके बेटे राजीव मेहरा साहब बना रहे थे पिक्चर और तय किया गया कि भाई बड़ा संगीत आप देखो हम चाहते हो तो एक ऐसा गीतकार आए जिसका बहुत नाम हो। उस वक्त लावारिस शराबी और मुझे लगता है मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में सब आ चुकी थी और आ रही थी, बहुत बिजी थे। लेकिन मुझे पता लगा था कि अंजान साहब बीच पर जाया करते थे तो मैं एक दिन बीच पर सुबह सुबह पहुंच गया और उनके पीछे भागा और कहा कि सर मेरा नाम अन्नू मलिक है और मैं सरदार मलिक साहब मेरे पिताजी उनका बेटा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म में काम करें। मेरे पास कोई नाम वाम नहीं था जो आप जानते हैं अन्नू मलिक, लेकिन मेरे डैडी का नाम सुनकर उन्होंने बोला मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। मैंने इसको मजाक समझा लेकिन दूसरे दिन अंजान साहब पूरे 10 बजे मेरे घर पर आ गए और बोला क्या करना है। उन्होंने मेरे साथ पर काम किया एक जान, उसके बाद बहुत सी फिल्में की, पूनम थी मुझे लगता है, फांसी के बाद फिर एक जान है हम। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अंजान जी ने मुझ जैसे संगीतकारों को खड़ा किया और आज हम उनके नाम पर एक सड़क बन रही तो बहुत अच्छी बात है। और समीर जी की खासकर और उनकी पत्नी की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। समीर जी ने ही हैज़ बीन अ ग्रेट सन टू हिज फादर, अ ग्रेट फादर टू हिज डॉटर्स, एंड समीर जी हैज़ बीन अ ग्रेट लविंग हस्बैंड टू हिज वाइफ एंड अ ग्रेट फ्रेंड टू ऑल ऑफ अस कंपोजर्स इंक्लूडिंग अन्नू मलिक। तो मुझे खुशी हो रही है आकर के आज अंजान साहब के नाम पर सड़क बन रही है जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना नाम कमाया लेकिन दूसरों की इतनी मदद की है, वेल डिजर्व्ड एंड वेल अर्न्ड। आपकी ऐसी कोई फेवरेट गाने हैं जो आप स्पेशली पसंद करते हैं?
मुझे सभी कल्याण जी आना जी साहब की कॉम्पोजिशंस के अंदर जो अनजान साहब ने काम किया है वो कमाल है, लेकिन मुझे ये गाना बहुत पसंद आता, छूकर मेरे मन को तूने किया ये इशारा। अनजान साहब मेरे कितने गाने, आज भी वो गाना मेरा चलता, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। अनजान अनजान जी के आप कोई भी गाना उठा लो उसमें एक अजीब सा एक ऐसा दर्द है बोलों में और म्यूज़िक भी है जो मैं समझता हूँ। जब अनजान साहब लिखते थे मैं उनको कहता था सर आपके बोलों में ही तर्ज होती है, तो बड़े मुस्कुराते थे। कोई तर्ज उनको दे दो तो इतने प्यार से वो लिखते थे और इतने फटाफट लिखते थे। उनके पास एक पान परा की डब्बी होती थी, वो अपना उस पर अपनी उंगलियाँ बजाते रहते थे, सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पैंट, और बहुत कम बोलते थे, मुस्कुराते रहते थे, लेकिन काम फटाफट करके निकल जाया करते थे। और वही आदत मैंने समीर में देखी है जैसे उनके पिताजी थे। तो अनजान साहब के सभी गाने मुझे बड़े लोकप्रिय लगते, खास करके कल्याण जी आनंद जी के बनाए हुए गाने। नहीं, अनजान साहब वॉज अ वेरी नॉन इंटरफेयरिंग राइटर, वो सिचुएशन पूछते थे, सिचुएशन समझते थे और मुझे कहते थे कि भाई एक दिन ठहर जा, और उसके बाद दूसरे दिन जब आते थे चार पांच ऐसे मुखड़े और अंतरे लेके आते थे कि गाना वहीं का वहीं तैयार हो जाता था। कभी कभी तो सामने बैठे बैठे ही मैं जब तर्ज गाता था वो बोलते थे चलो उसको इस तरह कर लेते, इस तरह लिख लेते, सामने भी लिखते थे। और एक खास बात मुझे याद है, मैं बताना चाहता हूँ कि अनजान साहब ने जो अपने बेटे को प्यार किया वो कमाल है। एक दिन जब मैं अनजान साहब के पास गया कि मुझे फिल्म करनी है आपके साथ, तो उन्होंने कहा तू मेरे साथ काम करता है, तूने कभी मेरे बेटे को सुना है? और उन्होंने अपने बेटे समीर जी से मेरी मुलाकात करवाई, और समीर जी ने मुझे बहुत मिलते ही पहला एक मुखड़ा सुनाया, अमीर से होगा गरीब से होगा प्यार जब भी होगा नसीब से होगा। ये समीर जी का मुखड़ा था, अमीर से होगा गरीब से होगा प्यार जब भी होगा नसीब से होगा। और अनजान जी ने कहा कि मैं तुम दोनों की जोड़ी को ब्लेस करना चाहता हूँ, आज से तुम्हें आपका गीतकार मिल गया, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। ये वाकई सच हुआ, वो दिन है और आज का दिन है। मैं और समीर जी ने कितनी फिल्में कर ली हैं जिसे हम सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली कहते हैं, वो आज उनके साथ हमारा रिकॉर्ड है। थैंक यू।